आज हम आप लोगों को दिखाएंगे जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है ना, जो प्रिंसेस कट ब्लाउज उसको हम कैसे कटिंग करते हैं। मेजरमेंट तो मैंने पहले वीडियो में दिखाया, उसके बाद हम अब दिखाएंगे ये प्रिंसेस ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, और लेआउट कैसे करते हैं, पैटर्न कैसे करते हैं और स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये हम पार्ट वाइज हम दिखाएंगे और इस वीडियो का बहुत सारे पार्ट होगा, आप सभी को देख लेना क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। और प्रिंसेस कट ब्लाउज का मैंने बैक पार्ट जो किया, जो बैक पार्ट का जो ड्राफ्टिंग करते हैं वो हम ड्राफ्टिंग पेपर में नहीं दिखाते हैं, सिर्फ बोल रहा हूँ जो कैसे करते हैं, ये भी हम सिखा दिया पहले तो तब भी मैं दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। जो ड्राफ्टिंग पेपर है ना, ड्राफ्टिंग पेपर ऐसा होता है जो खोप खोप ये वगैरह होता है, एक खोप दो तीन, ये जो ब्लैंक जो बॉक्स रहता है उसमें, तो एक एक बॉक्स को हम एक इंच और एक एक बॉक्स को हम गिनेंगे। कैसे गिनेंगे, ये से अगर मेरा शोल्डर ए और बी, सपोज ए और बी, और पहले मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो ये करने के लिए मेरे को एक मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये मेजरमेंट आप पहले नोट कर लीजिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ डिटेलिंग में, ठीक है। तो पहले आप इसे लिखिए, मैं बाद में बोल रहा हूँ कैसे करना है। आप इसे कैमरा को होल्ड करके और जो नेट पर आप देख रहे हैं उसको होल्ड करके आप लिख लीजिए पहले इसे, और उसके बाद हम दिखा रहे हैं। और ये वाला दिखाइए और इसमें भी लिखिए ये सब, ठीक है। तो मेरा जो मेजरमेंट है, सपोज मेरा जो शोल्डर है ना, मेरा जो शोल्डर 13 है, तो आपको इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को। और अगर मेरा शोल्डर 13 है तो क्या होगा, 6.75 होगा, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे, एक एक खोप को मैंने एक इंच मान लिया, ठीक है। तो एक इंच, दो तीन चार पाँच छ, और ये जो अपने घर पक रहा है ना, यह से यह का 50% होता है हाफ, और उसका इस हाफ का जो 50% होता है उसका और हाफ होता है, यानी कि 0.75 होगा, ठीक है। तो ऐसे ड्राफ्टिंग करते हैं। अगर आपने सेंटीमीटर में किया तो एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर ऐसे आप पकड़ सकते हो इसे, और मीटर में अगर कोई भी ड्राफ्टिंग हो रहा है तो बड़ा बड़ा ड्राफ्टिंग ऐसे हो जाता है या से ड्राफ्टिंग करके। तो ड्राफ्टिंग ऐसे करते हैं, हमने पहले भी बोल सिखा चुका हूँ आप लोगों को। तो मैं एक आपको ये हम जिस तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये आपको सीखने के लिए बहुत ही ईजी होगा, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अगर इसको ड्राफ्टिंग करें तो ऐसे करके आप कोई भी पैटर्न का नया नया मैं जब सिखा रहा हूँ उसका ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, और ड्राफ्टिंग पेपर में आप इस तरह नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका एसेट बन जाएगा, आपका ये भी आपका याद नहीं रहेगा, तो ऐसे आप जब देखोगे आपका सब याद आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसके ड्राफ्टिंग करके रख लेना आपको घर में, ठीक है। और इसके पहले मैं ये जो वीडियो हमने दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप पहले इसका मेजरमेंट आप लिख लीजिए, ठीक है। ये जो हमने ये पर जो मार्क करके रखा है ए बी सी डी ऐसे रखा है, हम कैमरा को स्टे कर रहे हैं, हम आप लिख लीजिए इस तरह, बाद में हम दिखा रहा हूँ जी कैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज काटते हैं हम लोग, इसका जो पैटर्न का फार्मूला हो हम दे देंगे बाद में, ठीक है। आप लिख लीजिए या का मैंने डबल ए किया या जे किया, ठीक है, ये बाद में हम दिखा रहेंगे आप लोगों को। अब लिख लीजिए स्लिप्स का जो फार्मूला है, ये आप मार्क कर लीजिए, नहीं तो ये मेरा फार्मूला के साथ ये नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेना। और उसके बाद ये जो बैक पार्ट होता है ना, बैक पार्ट का थोड़ा सा एक फार्मूला होता है, मैंने पहले भी सिखा चुका हूँ इस बैक पार्ट को कैसे काटते हैं, तब भी मैं दिखा रहा हूँ अभी। जो कोई लोग ये प्रिंसेस कट सिर्फ देखे तो ये देखकर ही वो सीख सके, इसलिए मैं फिर से मैं दिखा रहा हूँ।
स्लिप्स का ये फार्मूला है। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो अपने बैक पार्ट का जो फार्मूला देखा है, ए आर बी इक्वल टू हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच। ठीक है, तो मैंने जो इसका शोल्डर अब रखा है, ये जो 13 रखा है, तो 13 में अगर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या होता है, जो जो ए बी होता है ना, मैं जो ए बी होता है, तो 13 अगर हो तो हाफ ऑफ शोल्डर मीन्स 6 and 7 5। ठीक है, तो 13 हो जाता है, उसके बाद आपको हाफ इंच लेना पड़ेगा। मैं एक दिखा रहा हूँ कैसे करना है आपको। अगर आपको 13, मेरा मेजरमेंट में है 13। ठीक है, तो मेरा मेजरमेंट 13, उसका हाफ 6 12 6.75 प्लस हाफ इंच इक्वल टू 7.25 होगा। इस तरह आपको पैटर्न बनाना है। अगर आप पैटर्न करोगे और सीम से कट जाने के बाद ये 6.75 हो जाएगा, और यानी कि आपका स्टिच करने के बाद आपका जो शोल्डर है वो 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है। ये सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि मेरा जो पहले वाला जो वीडियो मैंने दिखा है, आप लोग पहले वो बेसिक जो चोली कट है वो आगे सीखिए। ठीक है, तो वो सीखने के बाद ये वो अगर क्लियर नहीं हुआ, उसका मेजरमेंट, उसका आर्म होल का क्या होता है, उसका बैक पीट कैसे बनाता है, ये सब अगर वो वीडियो में अगर ध्यान से सीखोगे तो ये समझने के लिए आसानी होगा। ठीक है, तो दिखा रहा हूँ मैं, ए बी मैंने रखा है 1/2 ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच, और बी देखिए, बी और ई इसे कहते हैं चेस्ट लेंथ कहते हैं, और आर्म होल का जो मेजरमेंट होता है ना, ये आप कैसे तय करें। अगर आप कोई भी मॉडल का मेजरमेंट आप लेंगे तो खुद ब खुद आप तो जान जाओगे इसका मेजरमेंट, ये आर्म होल क्या होता है। और आर्म होल का मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारा लोग ये मिस्टेक करते हैं, जो बी एफ होता है ना, बी और एफ, इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे मेजरमेंट लेना है आपको। ठीक है, अगर आपको आर्म होल 15 हो तो ऐसे आपको 15 करना है। ठीक है, आप सीधा ऐसे 15 करोगे तो आप बड़ा हो जाएगा, लूज हो जाए फिटिंग्स। ठीक है, ऐसे नहीं बनाता है, ऐसे बनाता है अगर आपको मेजरमेंट है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे देख लेना जो 15 हो रहा है कि नहीं, और बैक पार्ट को जो हाफ इंच कम होता है आर्म होल में, अगर आपको वेस्ट फ्रेंड ध्यान से लिख लीजिए ये बात, अगर आपको बैक पार्ट में, अगर आपको यानी कि मेरे को आर्म होल 15 बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे 15, हम बनाएंगे 15 हाफ क्या होता है 7 1/2। ठीक है, तो 7 1/2 हाफ होता है, और हम करेंगे बैक में 7, और जो फ्रंट में करेंगे हम ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देने के बाद ये आर्म होल जो कार्ब होता है ना, ये ज़्यादा होता है, दोनों मिलाकर आपको 15 करना है। अब जो भी करना है, बैक में हाफ इंच और 1 इंच आपको कम लेना है। ठीक है, और 7 5 कम लेना है, इसे हो जाता है। और उसके बाद हम दिखाएंगे जी एफ यानी कि मेरा बास्ट कैसे कटना है आपको। तो हाफ 1/4 ऑफ बास्ट प्लस हाफ इंच, यानी कि मेरा अगर बास्ट ये जो देखा है ना हमने, मैंने दिखा है जो प्रिंसेस कट ब्लाउज का हाई बस्ट लेते हैं हम, ब्लाउज बनाने के लिए हाई बस्ट, और सलवार कमीज के लिए हम सिर्फ बस्ट लेते हैं जो नॉर्मल बास्ट होता है। तो हाई बस्ट अगर मेरा 32 है तो 32 1/4 32 4 8 होगा। तो कैलकुलेट करके क्या होगा, 8 - 3 करेंगे और पहले 5 होगा। ठीक है, तो ये जो मेरा जो मेजरमेंट है